hollow. It's been a long, long time. Can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. Oh no, I feel you creeping. Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. आई होप सभी बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज बाय बाय बोलने का टाइम हो गया रामेश्वर को। तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं और सभी को पता ही होगा कि हमारा 12 ज्योतिर्लिंग जो करने का था यानी दर्शन करते हैं हम रामेश्वरम से स्टार्ट, तो वो कर दिया हमने कैंसिल, क्योंकि हमें पंडित जी ने बताया कि भाई ऐसे मत करो, करना है तो अच्छे से करो, विधि विधान से करो, जैसे लोग करते हैं, जैसे लिखा हुआ है। तो आपको करना है गंगोत्री से स्टार्ट और यमुनोत्री से, वहाँ से ठाने जल के छोटे छोटे मतलब बोटल्स में करके और वो सबको फिर मतलब नहला के आना है। तो इस तरीके से होंगे आपके पूरे दर्शन और फिर रामेश्वरम में आना है और ऐसे है कुछ। तो फिर हम भी सोचे कि भाई जब ऐसी बात है मतलब कहा गया है, और बात ये है अचानक से बाबा ने हमें रोका, तो इस वजह से फिर मेरे को लगा कि भाई ऐसे ही करना चाहिए। फिर मैंने घर वालों से पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, फिर उन्होंने अपने घर के पंडित जो हमारे घर के पंडित हैं उनसे पूछा, उन्होंने भी यही बताया कि अगर कर रहा है बेटा तो ऐसे ही करे, वो वहाँ से ना करे। तो फिर अभी हम क्या कर रहे हैं कि अब मतलब बुलंदशहर टू कन्याकुमारी हो गया, अब कन्याकुमारी टू बुलंदशहर। अभी हम गए थे रुकते रुकाते, अब आने वाले हैं हम खैचम खाच छोटी बाइकों से, देखते हैं कितना सहती हैं कितना नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी 2600 किलोमीटर है, तो हम सोच रहे हैं कि किसी दिन 200 किसी दिन 300, अब देखते हैं जैसे भी हम कर पाएंगे। हम अपने कैपेबिलिटी देखना चाहते हैं अपनी भी और साथ में उस बाइक की भी, अगर छोटी बाइक से कभी फिर निकलते हैं पता चल जाए कि हम कितने कैपेबल हैं। तो मोर एक्सपीरियंस एंड मोर पावर हमें फील होगी, अपने आप पता चल जाएगी। तो अभी क्या है, अभी बैग वैग पैक कर लिए हैं, अभी बैग नीचे लेके जाने हैं और पैक करके निकल जाना है रामेश्वरम से आज। चलो निकलने से पहले एक बार और दर्शन कर लेता हूँ और करवा देता हूँ। हर हर महादेव महादेव। तो भाई जाने का मन नहीं है मतलब, पर चलना पड़ेगा, अब घर भी आना है, फिर वापस आएंगे अभी थोड़े से दिन बाद। महादेव वापस जल्दी से बुलाना। चलो तो भाई रामेश्वरम को करते हैं बाय, और पहले ही सेल्फ में स्टार्ट अपनी धन्नो, अब देखो जान दिखाने वाली है, बुलंदशहर पहुंचाती है, देखते हैं कितने दिन में ये रिकॉर्ड कायम कर पाती है। छोटी बाइक से देखो ये रिकॉर्ड ही कायम हो रहा है, क्योंकि हर ये चीज़ें ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ों में से आती है। और हम यहाँ से निकल रहे हैं और बोलते हैं अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, हर हर महादेव महादेव, ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। तो महादेव जल्दी से पहुँचा दो घर पे, और फिर वापस से जल्दी से बुलाना, वापस आए। का जो मैंने जो सोचा है वो 250 किलोमीटर कवर करते हैं, और टाइम हुआ है कुछ पहली ना मैंने, हाँ। और देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना है ना, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप जब निकलते हो तो देखो अपनी चीज़ें भूलनी नहीं है। तो अभी टाइम हुआ है 11:21, और अभी जब हम निकलेंगे, जब रात में भी आए थे वो पम्मन ब्रिज से आए थे जो कि रामेश्वरम को करता है कनेक्ट, और यार ऐसे करोगे मरवा बीच में से मोड़ दिए एकदम से, चूतिया इंसान, अब दांत और दिखा रहा है। फिर यहाँ के टम्पू वालों से भी बचना है। एकदम से सीधा का सीधा चल रहा था, एकदम से मोड़ दी, मतलब देखते भी नहीं है पीछे मुड़ के कि पीछे से कोई आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अभी करवा देता कांड, निकलवा देता अभी अच्छे से, तो बाबा जी का नाम लेके चले थे, बाबा जी की कृपा है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो यही है पम्मन ब्रिज, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज है, यानी जो कि समुंदर पर है और साथ में रेलवे ट्रैक भी, तो देख सकते हो अभी दिख भी रहा होगा आपको। तो यही है भाई लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, यानी जो कि सी पे है और साथ में रेलवे ट्रैक भी है, और यहाँ पे एक शायद बनाया भी जा रहा है, कुछ नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, हाँ एक और बन रहा है साथ में, वो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। और ये जो यहाँ पर देख रहे हो बराबर में,
ये है पम्बन ब्रिज और साथ में ये भी, तो मतलब ये दोनों ही हैं और एक और ट्रैक बनाया जा रहा है रेलवे ट्रैक, और ये हैं आपको बताई क्या भाई, और ये देख लो कहाँ पे है, और व्यू चेकआउट करो यार मेरी जान, आए हाय क्या बीच है, मस्ती करनी है तो आ जाओ और टाइम निकाल कर आना, ठीक है जी। Time can't get you off my tired mind. Shadow, let the tape rewind and finally ease my anxious eyes. तो रामेश्वरम से हम निकल गए हैं और हमने अपने किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं 50। तो अभी मन में ना एक चीज आई है, एक चैलेंज देते हैं खुद को भी और लोगों को भी, और देखते हैं ये कर पाती हैं नहीं कर पाती। तो मैंने कहा था कि हम अब मज़ेदारी वाली चीज़ करने वाले हैं तो मज़ेदारी वाली चीज़ें होंगी, आप ना चीज़ों को जो हमारे पास चीज़ें हैं ना उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। देखो मैंने कहा था ना नींद आती ही नहीं है, भूख थक भी गए हैं तब भी नींद मतलब बहुत कम आती है, आती ही नहीं है, आती है तो फिर वही है जाती नहीं है, और आ गई तो फिर उठते नहीं है, मतलब वो वाली चीज़ है। तो अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फिर चैलेंज करते हैं, कभी भी कोई भी ओपन चैलेंज है ये, इन छोटी बाइकों से ऐसे करके दिखाए जब जानेंगे हम और हमें टैग करना फिर, ठीक है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, हम अभी भी मतलब हम ज़्यादा स्पीड पे चलेंगे नहीं, मतलब नॉर्मल स्पीड ही रखेंगे, ज़्यादा अपनी बाइक को ज़्यादा थ्रोटल देंगे नहीं बाइक का, यानी ज़्यादा स्पीड करेंगे नहीं स्पीडिंग, तो मतलब ऐसा है कि 60 की स्पीड पे चलेंगे, 60 नॉर्मल रहती है। और हम आज दिन में भी राइड करने वाले हैं और रात में भी, और जब भी जहाँ भी मतलब जैसे हम पहुँचे कहीं भी पहुँचते हैं बेंगलोर और ये, तो अभी देखते हैं इतनी जल्दी हम मतलब कितनी जल्दी कर पाते हैं अपने घर पर पहुँच पाते हैं, तो फिर मतलब पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी से चैलेंज हो गया है स्टार्ट, तो चैलेंज यही है कि देखो 0-0 भी हो गई हैं, तो चैलेंज यही है इतनी छोटी बाइकों से इतने दूर से कैसे कोई कर पाता है, अब देखते हैं हम अगर कोई करें ना तो वही हमको टैग कर दियो, ठीक है। अगर किसी में हो इस तरीके का दम, अगर बम में हो दम तो दम दिखा देना हमारी तरह। अब ये करने वाले हैं हम, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं, अब दिन में पहुँचे रात में पहुँचे अभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ऐसे ही करने वाले हैं एक दो दिन। और क्योंकि देखो बात ये भी, हमने लिया है जल यानी समुद्र से उठाया है जल और साथ में लिया है प्रसाद, तो देखो मैं भी नहीं चाहूँगा कि देखो मेरे दिमाग में अभी आई ये चीज़ कि प्रसाद भी ले लिया है, बहुत सारा प्रसाद ले लिया है, तो मतलब कि घर पे भी पहुँचाना है, साल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे है गर्मी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि जब हम निकल ही रहे हैं तो यार सेम उससे निकलना है, सारा का सारा कुछ देख ही लिया है इस वाले रूट पे, और अब अगर हम वापस कन्याकुमारी जाते हैं तो देखो 300 किलोमीटर हमें वापस से जाना पड़ेगा और फिर दूसरे वाले रूट पे जाना पड़ेगा, फिर वही है, फिर प्रसाद लेना बनता नहीं था, फिर तो ऐसा था कि मतलब थोड़ा बहुत ले लेते वहीं जाके खरीद के उसमें ही मिला के वो वाली चीज़ जैसे कर देते हैं वो वाला कर लेते हैं। तो फिर अब जब ले ही लिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब हम पहुँचते हैं आराम आराम से, मतलब इस तरीके से सीधा, तो अगर ऐसे कोई कर सके ना तो करके दिखाना फिर ऐसे। अब लोग कहते फिर रहे हैं ना कि भाई हम फर्स्ट हैं ऑल इन इंडिया और ये, चलो तो हम भी रिकॉर्ड कायम करते हैं, अब हम फर्स्ट इन इंडिया बनते हैं इस बाइक से इतनी जल्दी 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 कवर करने का। और फिर देखो एक है कि कश्मीर टू कन्याकुमारी ना एक लड़के ने करी थी 74 घंटे में, यानी बाइक से राइड करी थी अकेले ने 74 आवर्स में, वो कहाँ पहुँचा था, कश्मीर से स्टार्ट किया था उसने और वो पहुँचा था कन्याकुमारी। तो इसी तरीके से हम भी करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं रामेश्वरम से बुलंदशहर यानी 2700 किलोमीटर है, 2700 किलोमीटर हम कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी मतलब ऐसा है नहीं कि हम जैसे 3 दिन में करेंगे 4 दिन में करेंगे, हम रिकॉर्ड कायम वो तो देखो बाद में बता पाऊँगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि अब हमें देखो थोड़ी बहुत तो देखो नींद भी चाहिए होगी, क्योंकि देखो उसने जो कश्मीर टू कन्याकुमारी करने गया था उसने ऐसे ही करा था, वो दिन में सुबह को स्टार्ट हुआ था, उसने पूरे दिन चलाई फिर पूरी रात चलाई फिर नेक्स्ट दिन भी पूरे चलाई और फिर पूरी रात सोया फिर नेक्स्ट टाइम चला, हम भी देखते हैं इस तरीके से। और देखो उसने जो क्रूज़ करी थी उसने करी थी 140 की स्पीड क्रूज़ करी थी, हम कर रहे हैं 60, यानी उसका भी 1/3 पार्ट नीचे कर रहे हैं। तो अब अगर हमारे पास बड़ी बाइक होती तो हम भी बहुत जल्दी कर लेते, 2 दिन में ही कर देते ये चीज़, क्योंकि
हजार तो बड़े 1200 आराम से हो जाता, और लास्ट वाले दिन 1400 कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर बड़ी बाइक इस तरीके की होती तो उसने BMW 1250 से करा था, यानी GS 1250 से करा था, 1250 सीसी इंजन, यानी बहुत बड़ी बात होती है भाई। उसका तो 1250 यानी 200-250 ऊपर के ही हो रहे हैं, तो उसमें से भी 150 यानी 100 कम कर दो तो 1150 बचते हैं उसके, 1100 बचते हैं उसके। तो भाई अब हम करने वाले हैं रिकॉर्ड कायम, तो फर्स्ट इन इंडिया होने वाले हैं हम भी कह सकें कि भैया फर्स्ट इन इंडिया। तो अब इस ट्रिप को बनाने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है जी। तो ऐसा है हमारा खुराफाती दिमाग, क्योंकि देखो हमारे प्लान जो है ना वो इंस्टेंट बनते हैं। तो देखो अब घर वालों चिंता करनी जायज़ रहेगी तुम्हारी, पर हम ध्यान से ही चलेंगे। देखो पहले से ही लिमिट हमने रख लिया कि 60 से ऊपर जाएंगे नहीं। तो अभी थोड़ा सा हो गया था, अब मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखने वाला हूँ। तो आप टेंशन मत लेना, हम ध्यान से चलेंगे। बीच में अगर हमें लगा कि रुक जाना चाहिए तो हम रुक जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बट ये है कि भाई हम फर्स्ट इन इंडिया होने वाले हैं अब एज एन यूट्यूब, यानी इन छोटी बाइकों के साथ इतने किलोमीटर। तो थोड़े से प्रकच्चे भी गाड़ देते हैं, यानी झंडा गाड़ ही देते हैं। जब इतनी दूर भी आके अपना बुलंदशहर का झंडा गाड़ा, तो बुलंदशहर वाले का ऐसे भी नाम हो जाए कि भाई साहब इतनी छोटी बाइक से और इतने जल्दी। तो अब ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है भाई, सपोर्ट करना। अब तुम्हारा भाई एडवेंचर करने वाला है, क्या मस्त एडवेंचर, तो सपोर्ट करना है तुम्हारे भाई का, ठीक है भाई। तो अब जल्दी से कर दो कमेंट कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी आज तो मैं कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट डे पता चलेगी मेरे को। तो अभी देखते हैं कैसी मज़ेदारी आने वाली है, क्या क्या होने वाला है, सब पता चलता जाएगा। कहाँ दिक्कत आएगी, कैसे दिक्कत आने वाली है। देखो दिक्कत तो देखो हम ऐसा है कि आने नहीं देंगे, क्योंकि देखो हम पहले से ही चीज़ें प्लानिंग करके चल रहे हैं कि नॉर्मल चलाना है, बाइक पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालना है, इंजन एकदम अभी स्मूथ चल रहा है। प्लस अभी देखो जब मैंने मोबी ऑयल चेंज करवाया था तो 70,450 थी, अभी 1000 किलोमीटर यानी 1050 किलोमीटर चली है उसके बाद में। तो उसने बोला था 3000 पट मैं 2500 या 2000 पर करवा लूँगा। तो अभी क्या है, अभी ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ठीक है भाइयों, मस्त सपोर्ट दिखाना यार, तुम्हारा भाई ये चीज़ कर रहा है, बुलंदशहर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़ कि भाई किसने करा है, कि भाई लोंडा यानी बुलंदशहर का लोंडा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें करने वाला मज़ेदारी वाली, ओके मेरे भाइयों। और तुम व्यू देखो, और यहाँ की स्काई देखो कितनी क्लीन है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बिल्कुल भी पॉल्यूशन, क्या ना है, पॉल्यूशन। और मज़ेदारी वाली चीज़ है। और देखो दूसरी बात, पॉल्यूशन नहीं है वो अच्छी बात है, बट गर्मी है, हाय गर्मी गर्मी बहुत पड़ रही है। देखो हाथों में से भी पसीने इतने आ गए कि भाई लेदर की जैकेट गीली हो गई है, समझ पा रहे हो, लेदर की जैकेट गीली हो गई है। ये तो चलो सूख गई, बट ये देखो ये पानी है, मतलब पसीना है। और ये पता नहीं क्या बेच रहे हैं, ये साइड में बहुत देर से लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या है, नारियल का गुड़ है क्या, ऐसी लग रहा है। एक मूवी में देखा था अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी थी, उसमें था ये, ऐसे ही लग रहा है जैसे गुड़ हो, कुछ तो पक रहा है। चलो तो भाई आज मज़ेदार हो जाए, कुछ चीज़ एडवेंचर हो जाए, ठीक है। 150 किलोमीटर कम्प्लीट हो गए हैं अपनी ट्रिप का, यानी रामेश्वरम से आज सुबह चले थे हम। तो अभी बजे हैं 2 बज गए हैं, मतलब 2 पूरे नहीं बजे हैं, और अपनी बाइक पहुंच गई हैं। बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो रही थी, तो यहाँ पे एक टोल पड़ा, टोल पड़ने के बाद में यहाँ पे एक जूस, मतलब ये नारियल पानी और लस्सी वस्सी और नींबू पानी। तो भाई दोनों मैंने क्या काम किया, मैंने 2 लस्सी निकलवा ली, मेरा याद नहीं रहा ये लस्सी नहीं पीता, लस्सी पीता क्यों नहीं है, तो मन ही नहीं करता या क्या क्या सीन है आज, बता दे खुल के जनता को। शुरू से ही ना पीता भाई, क्यों हो जाती है पता नहीं क्यों। अच्छा इसे उल्टी आ जाती है, पी रहा भाई नींबू पानी कितना भी, क्या दूध पिलवा दो कितना भी। अच्छा तो इसके तो तेरी, हाँ बिल्कुल, मेरे घर ही आ जा, तेरे को भैंस का गाय का सबका दूध पिलाएंगे, टेंशन ना ले, गांव लेके चलूंगा तुझे मैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं, इनको भी रेस्ट दे देते हैं, फिर निकलेंगे। और गर्मी भाई, गर्मी मत पूछो, गर्मी कितनी जोर की हो रही है। और तुम्हें पता ही चल गया अब हम करने क्या वाले हैं, अब इनसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ करते हैं हम। जो भाई तो इन्हें गैप देते हुए है, अब ये देखते हैं इनकी कैपेबिलिटी चेक करते हैं, इनमें कितनी पावर है और हमारे अंदर कितनी पावर है। तो तुम्हें कैपेबिलिटी और पावर दिखाते हैं हम मस्त इनकी, और साथ में इसकी भाई, इसे तो सब जानते ही हैं।
अच्छे से, और साथ में इसे भी जानते हैं, जिसने ये चलाई है ना उसको पता है इसकी पावर पावर क्या थी इसकी। तो ये जब मतलब अपनी यंग एज में थी, और आज भी भगाने को मैं इसे भगा सकता हूँ, 130 चली जाती है आज भी। बट अभी क्या है इसकी कैपेबिलिटी, ये चेक करते हैं कि ये इतने किलोमीटर में दिक्कत देगी या नहीं देगी। क्योंकि देखो अब इंजन जो है इसका एकदम ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, और चैन भी अभी पूरी टाइट है, तो चैन टाइट कराने की जरूरत भी नहीं है। 600-700 किलोमीटर के आगे जब बेंगलोर पहुँच जाएंगे, आज बेंगलोर का प्लान है, बेंगलोर पहुँचते हैं तो मिलते हैं। चलो तो वही रेस्ट करते हुए बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, और ये मेरा डबल स्टैंड है, ये साला रोज ऐसी तकलीफ कर रहा है, ये ज़्यादा ही ना टिल्ट हो गया है, और इसमें ना यहाँ पे जो वो रहता है इसकी स्प्रिंग जो है थोड़ी सी ख़राब हो गया, उतार के ही मतलब उतर के ही उतरना पड़ता है। ये देखो अभी ड्रामे करके दिखाएगा बहुत ज़्यादा थोड़ी सी तो दिक्कत देखो होती है, क्योंकि देखो बाइक में ना पीछे मैंने बताया था 40-50 किलो वजन है, तो उसकी वजह से स्टैंड भी ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और महीना भर भी हो गया। और देखो बात इस व्लॉग को करते हैं बैंड, क्योंकि देखो व्लॉग हो गया तो बहुत बड़ा, क्योंकि देखो दिन का भी है और रात का भी है, फिर एक साथ डालूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इस चैलेंज में भाई सपोर्ट करना है आप सभी को, क्योंकि मैं इस छोटी बाइक से इतनी दूर करने वाला हूँ इतनी जल्दी जल्दी, और एक रिकॉर्ड कायम करने वाला हूँ। और रिकॉर्ड कायम कौन कर रहा है भाई, बुलंदशहर का एक लोंडा। तो भाई अपने भाई को करना है बिल्कुल सपोर्ट, तो मचा दो आज, सिस्टम हैंग कर देना है।